कभी आपने ऐसा स्कूल देखा है जहाँ मछलियाँ भी पढ़ने जा सकती है, जहाँ इंडिया में हमें बोरिंग शार्पनर्स मिलते हैं, ये बाहर के देशों में कोई स्मार्टफोन से कम नहीं। भाई तीन गिनने तक आओगे, पता ही है क्या करना है। एक दो तीन, लाइक कर ही दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, यूनिफॉर्म्स। ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म्स आपको देखकर शौक हो जाओगे। लगभग सारे इंडियन स्कूल में मैंडेटरी स्कूल यूनिफॉर्म्स है, जो सबके लिए सेम होते हैं, शॉर्ट विथ शॉर्ट स्लीव्स, और उसके साथ डार्क शूज होते हैं, और साथ ही गर्ल्स सेम कलर के सूट और स्कर्ट भी पहन सकती है। लेकिन कुछ अलग अलग देशों का ड्रेस कुछ ऐसे दिखते हैं। इंग्लैंड में स्कूल ड्रेस कोड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिनके स्कूल्स में सबसे पहले ब्लू कलर की ड्रेस हुआ करती थी, लेकिन आज सब स्कूल का अपना अलग कलर और लोगो है। लेकिन एक स्कूल में लड़कों को शॉर्ट्स पहनने तक अलाउड नहीं था, जिसके लिए वो प्रोटेस्ट करने के लिए स्कर्ट्स पहनकर आ गए थे इंडोनेशिया। इस लिस्ट में सबसे कलरफुल यूनिफॉर्म इंडोनेशिया की है। जैसे जैसे आपकी क्लास ऊपर बैठी रहती है, वैसे वैसे आपके ड्रेस के कलर कम होते रहते हैं। नंबर टू, स्कूल में क्लिप्स की जरूरत हम सबको पड़ती है, अपने फाइल्स और इम्पोर्टेंट नोट्स के पेजेस को एक साथ रखने के लिए। लेकिन आपने सिर्फ ये बोरिंग राउंड पेपर क्लिप्स ही देखा होगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हो, जापान 2050 में जी रहा है, वहाँ आपने एनिमल की शेप की क्लिप्स मिलता है, और ये कई शेप में उपलब्ध भी है, जैसे आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एनिमल यूज कर सकते हैं। आपको क्लिप्स ही देखकर पता चल जाएगा कौन सा पेज किस चीज का है ना। नंबर थ्री, इरेजर। के साथ एक ना एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपके हाथ किसी वजह से गंदे होंगे, और आपने ऐसे हाथों से इरेजर को छू लिया, आपका व्हाइट इरेजर का शक्ल और पहचान में ही नहीं आ रही। या फिर हम इरेजर से कुछ एरिया इरेज करते हैं तो वो ब्लैक हो जाया करती थी। लेकिन डॉम बॉय की ये स्पेशल इरेजर चमत्कार से कम नहीं। डॉम बॉय की शुरुआत 1913 में हुई थी, जो अपने हाई क्वालिटी के पेन मार्कर और स्टेशनरी के लिए जाना जाता था। टॉम बॉय वैसे तो बहुत तरह के इरेजर बनाते हैं, लेकिन ये इरेजर सबसे पॉपुलर है, क्योंकि इसे मैस्प्री डिजाइन किया गया है, और इसकी डस्ट एक साथ चिपक जाती है और रोल्स में निकलती है। और इतना ही नहीं, इसका ब्लैक कलर सबसे यूनिक लुक देता है, जो इसे साफ रखता है। नंबर फोर, आपको लास्ट मोमेंट का ड्रॉइंग चिपकाना याद है, इसमें इधर उधर से ग्लू मांग कर अपने ड्रॉइंग या चीजें जो आप चिपकाया करते थे। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इंडिया में सबसे ज्यादा फेविकॉल और ग्लू स्टिक या जो आपके लिपस्टिक की तरह काम करती है, लेकिन जापान में ग्लू एक पेन की तरह आता है, जो कुछ इस तरह का दिखता है। नंबर फाइव, ये चीज देखकर आप भी शॉक हो जाओगे और सोचोगे ये मेरे पास स्कूल में क्यों नहीं था। इंडियन स्कूल में हम ज्यादातर अपनी नोटबुक को बेंच पर रखते हैं, या तो हाथ में लेकर नोट्स लिखते, जो कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि कभी स्पेस कम होने की वजह से लिखा नहीं जाता। लेकिन ये करिश्मा आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा, क्योंकि ये है एक नोटबुक स्टैंड, इसमें आप अपनी बुक्स को रख कर पढ़ सकते हो, नोट्स ले सकते हो, और ये देखने में काफी कूल भी लगता है। नंबर सेवन, मैथ्स के स्टूडेंट से ज्यादा कैलकुलेटर की अहमियत कोई नहीं समझ सकता। इंडिया का कैलकुलेटर कुछ इस तरीके का दिखता है, ब्लैक कलर में, लेकिन जर्मनी के ये कैलकुलेटर व्हाइट कलर में मस्त लग रहा है ना कूल। नंबर एट, गुडन पेपर ग्लू गमिंग स्टिक। ग्लू स्टिक तो मैंने आपको काफी दिखा, लेकिन इस ग्लू जैसा ग्लू आपने कभी नहीं देखा होगा। जर्मनी की कंपनी ग्यूटेनबर्ग ऐसी ग्लू बनाती है, जिसमें सबसे सुंदर ग्लू है, और ये सबसे ज्यादा लाइट ब्यूटी पेपर पर यूज करने का रिकमेंड करता है, और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें केमिकल से एलर्जी है, ये सिर्फ पानी, ट्रिगम और पोटैटो से नेचुरली बनाई गई है। नंबर नाइन, इंडियन स्कूल में मोस्टली शार्पनर्स कुछ इस तरह के दिखती है, लेकिन जर्मनी की एक कंपनी है डॉग्स, जो 1908 से पेंसिल और शार्पनर्स बना रही है। ये शार्पनर अपने साथ ये क्यूट लेदर केस में आती है, साथ ही इसमें तीन अलग अलग सेटिंग भी है, शार्प, मीडियम और राउंड। तो आपको जैसा मन चाहे आप वैसे पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे शार्पनर्स होते हैं जो पूरे पेंसिल ही खा जाता है, और जैसे ही पेंसिल की निब आने वाली होती है तो तभी निब टूट जाती है। तो जरूर कमेंट में बताना कभी आपके साथ ऐसा हुआ है। नंबर 11, आपको जापान में स्टेपनर कुछ ऐसे दिखते हैं, लेकिन एक जानवर जैसे दिखने वाला स्टेपनर तो रही गया है, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। और आप मुझे बताओ ये कैसा दिख रहा है। वेल, मैं अपनी बात बताऊं तो ये एक वेल जैसा दिख रहा है, और ये स्टेपलर इटली सी है, बहुत सालों से कोंगो मंजी शहर में बन रहा है, जो एक टाइम में 16 पेजेस को स्टेबल कर सकता था। जो एक लाइक कर देना, नहीं तो कुछ नहीं, बॉक्स में अपना एक प्यारा सा नाम बताओ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।